बीते एक महीने से लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। 24 फरवरी के दिन पुतिन ने दुनिया में चल रही आशंकाओं पर मोहर लगाते हुए यूक्रेन पर धड़ाधड़ गोले दागने शुरू कर दिए। एक तरफ जब दुनिया पुतिन की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए उनका विरोध कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अचानक रूस पहुंच गए। ऐसे में पूरी दुनिया के मन में ये सवाल उठने लगे कि इमरान खान के इस सरप्राइज दौरे की क्या वजह है। क्या इमरान खान के इस दौरे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो नहीं है? हद तो तब हो गई जब इमरान खान से मीडिया ने उनका रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि वो एक मजेदार समय पर यहाँ पहुंचे हैं, यानी रूस पहुंचे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इमरान खान के लिए इस तरह की आलोचनाएं नई नहीं है, लेकिन फिर भी इस मसले पर इमरान खान और पाकिस्तान की जब ग्लोबल थूथू हुई तो उन्होंने सफाई दी और अपने रूस के गुपचुप दौरे की वजह दुनिया के सामने रखी। एक वीडियो के माध्यम से इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा कि वो जंग के बीच अपने देश के लिए 2 मिलियन टन गेहूं और गैस लेने के लिए रूस गए थे। इस दौरे के समय यानी बीते हफ्ते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसमें दुनिया की 30% गैस है, तो आगे जिस तरह पाकिस्तान की गैस कम हो रही है, हमने उनसे बातचीत की ताकि उनसे हम गैस आयात करेंगे। इमरान ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा में गुरुवार को क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, वो भी तब जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। सभी पश्चिमी देशों की निगाहें रूस पर थी और वो रूस के खिलाफ एकजुट हो गए थे। इमरान खान ने अपनी यात्रा की आलोचना होने पर कहा कि वो पाकिस्तान के आर्थिक हितों के लिए रूस गए थे। इस यात्रा को लेकर इमरान ने कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक बैठक हुई थी, लेकिन इससे अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इमरान खान के साथ ही पाकिस्तान के दूसरे अधिकारी भी रूस गए थे। उन्होंने इस दौरे का बचाव करते हुए कहा कि उनका समय काफी पहले से ही निर्धारित हो गया था और इसका मकसद केवल ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करना था। हालांकि सवाल अब भी वही है कि एक तरफ जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट होकर यूक्रेन पर उसकी कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो ऐसे समय में इमरान खान क्या सच में गैस और गेहूं की डील करने के लिए रूस गए थे, या फिर इमरान इसके पीछे कुछ और ही साधने की कोशिश कर रहे हैं? बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।